क्या करेगा, वर्दी पहन लिया मतलब क्या भाई हो गया तुम, बहुत बड़ा तुम गवर्नमेंट का सर्वेंट है, नहीं लगेगा मास्क। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। देखा आपने, इस शख्स के गुस्से का ज्वाला फूट पड़ा है। चेहरे पर मास्क तो नहीं है, लेकिन मुंबई पुलिस के खिलाफ शब्दों का अंगार बरस रहा है। इतना गुस्सा, इतना रौब, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस ने इन्हें मास्क पहनने के लिए टोक दिया। पुलिस के टोके जाने पर जनाब तिलमिला उठे। इसे ही तो कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बता दें कि वीडियो मुंबई की है, उस मुंबई की जहां कोरोना ने तांडव मचा रखा है, जहां अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है, जहां मौत की देवी अपना रौद्र रूप ले चुकी है। उस शहर में ये जनाब बिना मास्क के घूम रहे हैं, जबकि कई बार डॉक्टर, सरकार, प्रशासन ये कह कह कर थक चुकी है कि दो गज की दूरी अपनाए, चेहरे पर मास्क लगाए, सैनिटाइजर का प्रयोग करे। पर नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सरेराम सरेराह कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते फिरते हैं। अरे लोग क्या करेगा, वर्दी पहन लिया मतलब क्या भाई हो गया तुम, बहुत बड़ा तुम गवर्नमेंट का सर्वेंट है, तुम काय का सर्वेंट है गवर्नमेंट का, मर लिया अच्छा तो होगे भीख मांग के तो साला साले इन लोग को हाथ में दे दिया तो फोटो निकालते बैठने का। भाई मास्क लगाओ ना, मास्क लगाओ ना भाई, मास्क लगाओ ना, नहीं लगाएगा मास्क। चलो 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 साइड नहीं ये गुस्सा देखकर आप लोगों को दिल्ली वाली वीडियो जरूर याद आ गई होगी, जिसमें एक दंपति ने मास्क नहीं लगाया था और दिल्ली पुलिस से भिड़ गए। हालांकि बाद में उनके तेवर में नरमी दिखी, चेहरे पर मास्क दिखा और शब्दों में गलती का भाव। ठीक ऐसे ही इस शख्स ने भी अपनी गलती कबूल की और मुंबई पुलिस से माफी मांगते हुए नजर आया। मैं जतिन प्रेमजी सत्रा मुलुंड का रहवासी, आज जो घटना बनी मुलुंड आरआरटी रोड पे, मैंने पुलिस के ट्रैफिक सर के साथ जो आज बदसलूकी की, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और जो पुलिस, मुंबई पुलिस आज जो फ्रंट लाइन में काम कर रही है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और जो भी सर को जितना खराब लगा हो, उनको मैं तहे दिल से फिर से माफी मांगता हूँ। तो आप भी इस बात को समझिए और कोविड नियमों का पालन जरूर कीजिए। सरकार बार बार ये कह रही है कि हम सबको मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकलना है, और इसके लिए जरूरी है कि सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।